हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस रावत की रसोई में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ तलोड के खमन ढोकले की रेसिपी, जिसे हम रेडीमेड पैकेट से बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो चलिए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे तलोड़ की खमन ढोकले की पैकेट को, और ये आपको मार्केट में 500 ग्राम में या फिर उससे छोटा पैकेट भी आपको मिल जाएगा इजीली। और इसकी जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ है, और ये आप अराउंड 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इसे माइक्रोवेव और विदाउट माइक्रोवेव दोनों वे से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर हम इस पाउडर को निकाल लेंगे, और जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको और एक पैकेट मिलेगा। इस तरह इसे हमें बाद में ऐड करना होता है। सो हम पाउडर को बाउल में निकाल लेंगे और आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक सॉफ्ट पेस्ट बनाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ऐड करना है, करीबन आपको 1/4 कटोरी इसमें पानी ऐड करना है और एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। सो देख सकते हैं आप, हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया, और अब हम इसे साइड में रख देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम रेडी करेंगे ढोकले बनाने के लिए बर्तन, और यहाँ पे मैं टपरवेयर का माइक्रोवेव में यूज़ करने वाला टिफ़िन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बर्तन यूज़ करें इसके लिए उसकी हाइट कम होनी चाहिए। सो आप किसी कांच के बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोवेव में जाने वाले किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि उसकी हाइट 2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब हमारा बैटर है वो रेडी है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटे जो हमको इसके अंदर जो पैकेट मिला था उसका इस्तेमाल करेंगे, और हमें 1/4 कटोरी में इसमें 1 स्पून पाउडर मिक्स कर लेना है, और इसे अच्छे से चम्मच से मिला लेना है पानी के साथ में, और हमारे जो ढोकला का बैटर है उसमें डाल देना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, और हमें इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूल गया है। सो अब हम इसे टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और आप जो भी बर्तन का इस्तेमाल करें उसमें आप डाल सकते हैं इसे। सो अब हमें इसे 2 से 3 बार ऐसे टैप कर लेना ताकि इसके अंदर की जो बबल्स है वो निकल जाए। तो अब हमने माइक्रोवेव में इसे रख देंगे, और मैंने प्री हीट कर लिया था 2 मिनट पहले, और इसे हम 3 मिनट में सेट करके रख देंगे माइक्रोवेव में। और अब 3 मिनट हो गए हैं, सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हैं कि वो पक गया है। सो फ्रेंड्स, अब हमने माइक्रोवेव से इसे निकाल लिया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे 10 से 12 चम्मच पानी के, और अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है पानी को, ताकि इस जो ढोकला है वो अच्छे से पानी को अब्जॉर्व कर ले और सॉफ्ट बने। तो इसे हम इस तरह रख देंगे, और अब ये पानी अब्जॉर्व कर लिया है, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब रेडी करते हैं इसके लिए तड़का। सो तड़के के लिए हमें लेना है एक पैन, और उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसे हम पैन में अच्छे से स्प्रेड करके गरम कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच राई के, और जब राई गरम हो जाए तब हमें इसमें ऐड करना है 10 से 12 कड़ी पत्ता के लीव्स, और इसे भी हमें अच्छे से गरम कर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, और 1/2 चम्मच वाइट तिल, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 ग्लास पानी, और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच शक्कर के, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है फ्रेंड्स। अब ये जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसे गैस से बंद करके इसे तुरंत हमें अपने ढोकले में डाल देना है। सो फ्रेंड्स, अब हम गरम गरम तड़के को ढोकले के ऊपर डाल देंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट बने। सो अब हमें इसे 2 मिनट रखने के बाद में इसे अब हम कट कर लेंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कट कर सकते हैं इसे, कोई भी साइज में। और आप देख सकते हैं कि अंदर इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी जो बचा हुआ पानी है वो भी ऐड कर देना है, ताकि ये अंदर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसके ऊपर आप कोरिएंडर से गार्निश कर सकते हैं, और साथ ही इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं ड्राई कोकोनट, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे चाय या कॉफ़ी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, इसे खाने के लिए आपको किसी भी ग्रीन या रेड चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी ट्राई करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। साथ ही इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक भी दे देना। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।